तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 5.2 का। यदि आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। इसमें जितने भी डाउट बच्चों को आते हैं वो सब आज क्लियर कर देंगे। तो देखिए, हमें क्वेश्चन ये गिवन है एंड इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमें बोला गया। ठीक है, तो देखिए इसमें आज जितने भी डाउट हैं आपके सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ काहे का करना है आपको, वो फंक्शन ही आता। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूले बताए थे इंट्रोडक्शन वाली में। तो देखिए आपका कोस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता या कोस एक्स का, तो वो होता है आपका माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी यहाँ जो एंगल होता है एक्स वही यहाँ होता। तो ऐसे ही ये कोस के लिए जो है ये साइन एक्स ये पूरा एंगल है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। कोस के लिए ये पूरा एंगल है, जैसे यहाँ पर ये एक्स कोस के लिए एंगल था, साइन के लिए एक्स एंगल था, ऐसे ही ये पूरा कोस के लिए एंगल है। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कोस का आपका क्या होता, माइनस ऑफ साइन, एंड एक्स की जगह क्या है आपका, ये पूरा साइन एक्स। ठीक है, देखिए कोस का हो गया आपका माइनस साइन, एंड एक्स यहाँ होता है, एक्स यहाँ होता है, तो ऐसे ही कोस का आपका साइन एंड साइन एक्स, यानी कि ये तो पूरा एंगल में है ना कोस के, तो साइन के भी एंगल में होगा। अब हम एंगल का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ काहे का एंगल क्या है आपका, साइन एक्स। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे भी हमने एंगल का करा होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का, क्योंकि एंगल क्या है एक्स है, तो एक्स का जब आपने करा होगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन बन, तो इसलिए यहाँ आपका माइनस साइन एक्स रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एंगल का करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो देखिए माइनस ऑफ साइन एंड एंगल में है आपका साइन एक्स, एंड साइन एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वह आता आपका कोस एक्स। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए इसे आप और फर्दर आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कोस एक्स को आप इधर लिख दीजिए, कोस एक्स माइनस के साइन इंटू में साइन एक्स। अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, वे कहते हैं कि साइन इंटू में साइन एक्स। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चों की यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है कि साइन इंटू में साइन एक्स आपका साइन स्क्वायर एक्स क्यों नहीं बन जाता, कि साइन इंटू में साइन एक्स या आपका साइन स्क्वायर एक्स क्यों नहीं बन जाता। देखिए बच्चों, बन तो जाता, लेकिन वो जब बनता, जब आपका साइन एक्स इंटू में साइन एक्स होता तो आपका साइन स्क्वायर एक्स बन जाता। लेकिन ये जो साइन एक्स है ये इस वाले के एंगल में है, एंगल है ये इसका, इस वाले साइन का, ये साइन एक्स जो है एंगल है, तो इसलिए इसे हम ये नहीं लिख सकते। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ये जो साइन एक्स है ये इसका एंगल है, तो आप एंगल की उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एंगल तो आपका एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर कराया। थैंक्स।